सभी जनों ने राम राम पहुंचाए। हमारी बुंदेली जनक चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? हम आशा करें थे कि आप सब ठीक हो और हम भी ठीक हैं। तो जैसो कि आज शिवरात्रि है, सब हम शिवरात्रि की शुभकामनाएं और सुबह शंकर जी को अभिषेक कैसे होते जो हम आपको बता चुके हैं। और अब हम बतावे वाले हैं आप हाँ कि हम शंकर जी यहाँ दूल्हा बनावे वाले हैं और पार्वती मैया यहाँ दुल्हन बनावे वाले हैं। तो आप देखो कि उनकी दूल्हा दुल्हन बनाने से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी है। सो आप देखो, हमने शंकर जी को अभिषेक दोबारा कर दो है और गणेश जी भी नहला दो। कैसे? सबसे पहले गणेश जी नहला जाओ, शंकर जी को अभिषेक हमने दोबारा से कर दो और पार्वती मैया भी नहला दो है। और अब हम सबसे पहले कलश बना ले रहे हैं। सो कलश के लाने हमने गेहूं को जो अष्टदल कमल बना दो है और उसके लाने अब देखो जो हमने डेढ़ गज मतलब हाथ से सो इतन से इतन तक जो धागा ले लो है और हम ये कलश में ई तरीका से लपेट दे। हमें इसमें गांठ नहीं लगाना है, ई तरीका से कलश बनत है। और इसमें हमने जल भर दो और संगे गंगा जल भर दो और गंगा जल के भरे के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी चावल डाल दे हैं और थोड़ी सी जा दूबा डाल दे हैं, एक फूल डाल दे हैं और एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी और एक जो पांच को सिक्का जो भी डाल दे हैं। और अब हम इसमें बना दे हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो थोड़ी सो हमने डोली के अंदर पानी डाल दो और इस तरीका से हम इसमें स्वास्तिक चिन्ह बना दे हैं, देखो आप। और ई अष्टदल कमल पे रख दे हैं। कैसे? सबसे पहले हमें अष्टदल कमल बनाओ जात है और देखो फिर हम जे आम के पत्ता हैं जी हम ले हैं और ई में जल में रख दे हैं। वैसे तो अष्टदल कमल जब बनत है तो पांच पत्ता ले जाते हैं, लेकिन आज शंकर जी की शादी है सो आज सात को महत्व है। सो हम आज सात पत्ता ले ले हैं आम के। कैसे? सात फेरे, सात जन्म, सात बचन। सो हम जी आम के सात पत्ता ले रहे हैं जी, देखो आप। और ई के ऊपर रख दे हैं हम जा मलिया और गेहूं और ई के ऊपर रख दे हैं जो दिया और ई दिया हाँ अब हम प्रचलित कर रहे हैं। और फिर पार्वती मैया हाँ और शंकर जी हाँ दूल्हा बना है तो उनकी विधि भी हम आपको बताने दे रहे हैं। भाई अब देखो अब हम आपको बता रहे हैं। देखो अष्टदल कमल के ऊपर हमने कलश तैयार कर दो है और अब हम बाकी की सामग्री जोड़ के बता रहे हैं आप। तो देखो जहाँ हमारी सब श्रृंगार की सामग्री है और जी हमारी में फूल पुष्प और माता पार्वती जी को मोर है और जो शंकर जी को भी मोर है, देखो आप। और जो माता पार्वती को है और जे वस्त्र देखो, जे वस्त्र गणेश जी के भी हैं, शंकर जी के भी हैं और पार्वती मैया जी के भी हैं। जे वस्त्र हमने सब अपने हाथ से बनाए हैं, दो दिन लगा के आज और कल में हमने जे वस्त्र सब बना पाए हैं। सो हम सब पहनाए दे रहे, फिर आप पहना के दिखा है। लेकिन सबसे पहले अपन गणेश जी को पूजन करने दे रहे हैं। सो गणेश जी हम स्नान करवा चुके हैं और स्नान करवाने के बाद जैसे विधिवत पूजा होत है और जो देखो आप जो जनेऊ है और ई जनेऊ हाँ हम थोड़ी सो जो देखो आप हल्दी से ये थोड़ी सो हल्दी लगा दे रही मैं। और हल्दी लगाने के बाद देखो आप हम जो गणेश जी हाँ सबसे पहले जनेऊ अर्पण करते हैं और फिर जो जनेऊ है देखो आप दूसरों जनेऊ है जो ई में भी हम थोड़ी सी हल्दी लगाते हैं, हल्दी चावल। और जो हम भोले बाबा हाँ अर्पण कर दे हैं और उसके बाद अब बारी आउत है जो देखो जो है इत्र
और इत्र लगावो सभी देवी देवतन हम अनिवार्य होते जो हम अभी लगा है। पहले हम आप सबके वस्त्र पहना दें, पहना के दिखा है। जो वीडियो बहुत लंबा हो जाए है, आप हमारा वीडियो देखो ना, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहियो। आज हमारा वीडियो बहुत अच्छो इंटरेस्टिंग होने वालों है कि आप देखते ही रह जाओ। और सबसे पहले हम देखो जी गणेश जी के वस्त्र से शुरू कराए थे और फिर भोले बाबा वहां भी दूल्हा बनाने हैं। और जब सबके सब जने तैयार हो जाए हैं सो हम आपका फाइनल लुक दिखा है। फिर देखो आप जी हमारे गणेश जी के वस्त्र हैं। इधर दिखाओ बेटा, तो देखो जी हमारी पार्वती जी दुल्हन बन रही हैं। जो देखो उनने नेकलेस पहन लो, हार कान की झुमका बिंदी और जो देखो जा है उनकी मौरिया। और देखो जो है इत्र, अब हम इत्र को छिड़काव कर रहे हैं। देखो कि आप देख सकते हो कि देखो गणेश जी भगवान भी अपने माता पिता की शादी में अच्छे से सजे हैं और शंकर भगवान जी भी हमारे सजे हैं। और वस्त्र आप कैसे लगे, श्रृंगार कैसे लगो जो जरूर बताइयो। और जी ब्रह्मा जी भी बहुत सजे हैं और देखो जी हमारी माता रानी हैं अच्छी सजी हैं। हमने इत्र उन्हें लगा दो है और अब हम थोड़ा सा इत्र अंदर माता भी छिड़क यहाँ है, फिर आप बाकी की पूजा दिखा रहे हैं भाई। तो देखो आप जो हम भगवान जी को गठबंधन कर रहे हैं, हम आप दिखा नहीं पाए कौन वजह से, इमें हमने हल्दी सुपारी चावल और सिक्का बांध दो है और जो हम ये बांध ले रहे हैं। सो भगवान भोलेनाथ ने तो सभी के गठबंधन करे हैं, वे पूरी सृष्टि है गठबंधन में बांधत है। अपन को हो सकत के उनको गठबंधन करें, लेकिन फिर भी अपन ई शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो त्योहार है सो मनाई थे सब जने कि उनको गठबंधन करो जात है। तो देखो आप जो गठबंधन होगा उनको और जो काहे में बांधवे के लाने कछु नहीं है सो जो गिर जाते हैं। और जो देखो तो जो देखो पार्वती जी को और शंकर जी को गठबंधन भी हो गए है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये माला देखो कितनी प्यारी है। एक हमारे शंकर जी पहन है भोलेनाथ और दूसरी हमारी माता पार्वती जी पहन है। इन्हें थोड़ी सी छोटी करके पहना दे रहे हैं और बार बार इनको जो मोहर गिर रहा है लेकिन अब ना गिर है कैसे, अब इनको श्रृंगार पूरा हो गया है, अब कोनो चांस नहीं है गिरे के। और जो में बांधे हैं कछु भी नहीं है। सो अब देखो जी हमारी पार्वती माता दुल्हन बन चुकी हैं बिल्कुल। और अब हम शंकर जी हम बेलपत्र और धतूरा अकौआ जो सब समर्पित कर दिए थे। जो देखो और जे फूल है सो जी हम गणेश जी हम भी अर्पण कर दे रहे हैं और इन्हें
है भोग और आरती। सो हम वो भी दिखा रहे हैं आप। हाँ तो देखो आप, हमारी आरती भी तैयार है, धूप दीप और कपूर अगरबत्ती और प्रसाद हम लगा चुके हैं। देखो आप, मालपुआ को आज प्रसाद लगा थे, सो मालपुआ हमने बनाए थे और प्रसाद लगा दो है और सब लगा था हमने, पान बसाता लौंग इलायची धतूरो अकौआ बेलपत्ती दूबा फूल दीप दूब सभी, पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आरती घर रह गई है, सो आरती हम आपको पूरी ना दिखा पाए थे, ऐसे आंधी बहुत चल रही है, आंधी चलन लगी है। और आप हमें बताइयो कि हमारे जो शंकर जी को विवाह आप हम कैसो लगो और हमारी जब पूजा कैसी लगी। सो हमारी वीडियो है एक लाइक तो कर ही दियो और हमारे चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, पहली बार आए हो तो शेयर जरूर कर दियो। शिवरात्रि की शुभकामनाएं।